हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आचार्य कमल नंदलाल आप सभी व्यूवर्स का कुंडली टीवी की खास पेशकश कल क्या करें क्या ना करें मैं वेलकम करता हूं, अभिवादन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कल आपको क्या करना है और क्या नहीं, और एक खास बात, प्रोग्राम के आखिर में आपको एक विशेष उपाय बताऊंगा। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले क्या करें, माता पिता का आशीर्वाद। मेष राशि वाले क्या ना करें, किसी के साथ वाद विवाद ना करें। वृष राशि क्या करें, गाय को रोटी खिलाएं। वृष राशि क्या ना करें, कोई बड़ी डील ना करें। मिथुन राशि क्या करें, शिव मंदिर में दीप दान करें। मिथुन राशि क्या ना करें, बड़े बुजुर्गों से बहस ना करें। कर्क राशि क्या करें, देवी मंदिर में सिंदूर चढ़ाएं। कर्क राशि क्या ना करें, आप बनाई हुई योजनाओं में फेरबदल ना करें। सिंह राशि क्या करें, आप सुहागन स्त्री को कोई गिफ्ट दें। सिंह राशि क्या ना करें, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट ना करें। कन्या राशि क्या करें, सफेद कुत्ते को रोटी खिलाएं। कन्या राशि क्या ना करें, घर आए मेहमान से अपशब्द ना कहें। अब आपके लिए एक स्पेशल सूचना फ्रेंड्स, कुंडली टीवी पर किस्मत जंक्शन प्रोग्राम जरूर देखें, और प्रोग्राम के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक विशेष उपाय, तब तक बने रहिए मेरे साथ। तुला राशि क्या करें, गाय को गुड़ खिलाएं। तुला राशि क्या ना करें, दूसरों की सलाह पर गौर करें। वृश्चिक राशि क्या करें, घर में सुबह के समय शंख बजाएं। वृश्चिक राशि क्या ना करें, नशीली वस्तुओं से दूर रहें। धनु राशि क्या करें, बेडरूम में हल्के शेड की चादर बिछाएं। धनु राशि क्या ना करें, ड्राई फ्रूट वाली कोई भी चीज ना खाएं। मकर राशि क्या करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें। मकर राशि क्या ना करें, सूजी से बनी कोई भी वस्तु ना खाएं। कुंभ राशि क्या करें, किन्नर को पैसे दें। कुंभ राशि क्या ना करें, घर के नौकर को डांटे नहीं। मीन राशि क्या करें, तुलसी पर दीपक लगाएं। मीन राशि क्या ना करें, घर आए किसी भी याचक को खाली हाथ ना दें। तो अब टाइम है स्पेशल उपाय का, और ये स्पेशल उपाय है लव लाइफ में सक्सेस के लिए। क्या करना है आपको, एक अशोक के पत्ते पर आपको रोली से अपने लवर का नाम लिखना है, और ये पत्ता सूखने के बाद में आपको किसी भी बहते पानी में से बहा देना है, यानी कि इसे जल प्रवाह करना है। आप देखेंगे कि आपका जो लवर है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और आपका लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनेगा। कल क्या करें और क्या ना करें मैं बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, जहां मैं आपको बताऊंगा आपको परसों क्या करना है और क्या नहीं। तब तक के लिए मैं कमल नंदलाल आपसे इस उम्मीद के साथ इजाज़त लेता हूं कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर। लेकिन एक खास बात, हमारा YouTube चैनल शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।